आरजे सुरभि सक्सेना के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है दोस्तों। बिग बॉस के लाइव अपडेट्स लेकर आपके साथ हम जुड़ रहे हैं लाइव फीड में। दोस्तों बता दें आपको कि निमृत रात को एक बार फिर प्रियंका चहर चौधरी से पंगा लेती हुई दिखाई दी, लेकिन बता दें आपको कि इसके लिए उसने सुम्बुल का इस्तेमाल किया। जी हाँ, सुम्बुल, टीना और प्रियंकित जो है वो एक ही रूम में सोते हैं, और जब खाना बन रहा था तो प्रियंकित के रूम से आटा लिया गया और अर्चना ने प्रियंका को ये बताया कि तुम्हारे रूम से इतना आटा लिया गया है, इतना तो तुम लोग खाते भी नहीं हो, इतना आटा लिया गया है जिसमें 20 रोटियां बन जाएं। अब यहाँ पर प्रियंका जो कहती है कि ये बात बिल्कुल तुमने सही कही है अर्चना, मैं इस बात को जानती हूँ कि उसमें 20 रोटी बन सकती हैं, लेकिन मगर 20 रोटी बन गई होंगी 100%, बट वो आटा मैंने नहीं दिया था, 100% सुम्बुल ने लिया होगा और मैं अब सुम्बुल को कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, अब मैं सुम्बुल से इस बारे में बात ज़रूर करूँगी कि घर के अंदर की कोई चीज़ लेने से पहले ये देख लो कि कितने सदस्य हैं, कितनी रोटियाँ बन सकती हैं या कितना प्रोडक्ट उसमें से जाएगा, और ये सारी बातें वहाँ प्रियंका कहती नज़र आती हैं, क्योंकि अब वो सुम्बुल को अपना शायद दोस्त बना चुकी हैं या सुम्बुल की रिस्पेक्ट करती हैं, इस वजह से वो ये बात बोल रही थी अर्चना से। जबकि अर्चना की और सुम्बुल की काफ़ी लड़ाई हो चुकी है, लेकिन अर्चना ने भी ज़्यादा ख़राब कुछ नहीं बोला, अर्चना ने वहाँ भी ख़राब नहीं बोला था। अर्चना ने जो बात उठाई थी, जो मुद्दा उठाया था, वो बिल्कुल सही उठाया था कि सुम्बुल को बाहर आकर पूरे घर वालों को वो चीज़ें नहीं बतानी थी अंदर की, जो कि सलमान ने भी चुपके से दिखाई थी सौंदर्या के लिए। क्योंकि दोस्तों हर चीज़ लाइव फीड में भी नहीं दिखाई जा रही है, लाइव फीड में हर चीज़ नहीं दिखाई जाती है, तभी दिखाई जाती है लाइव फीड वाली कोई चीज़ जब उसे बिग बॉस या फिर सलमान एग्री करते हैं, वो भी कंटेस्टेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है कि लड़ाई करने के लिए या फिर घर में मुद्दा नहीं होता उसके लिए वो चीज़ें तब दिखाई जाती हैं, अदरवाइज़ हर चीज़ लाइव फीड में नहीं दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर भी प्रियंका को उसने जो बताया कि चीज़ें तुम्हारे रूम से, तुम्हारे राशन में से ज़्यादा निकाला जा रहा है जबकि कंज्यूम उतना नहीं हो रहा है क्योंकि तुम लोग उतना नहीं खाते हो। तो दोस्तों यहाँ पर लाइव फीड में निमृत जो है वो प्रियंका से सीधा सीधा पंगा लेती नज़र आ रही है। एक सीन ये था कि जहाँ पर आटा ज़्यादा लिया गया, एक सीन और था निमृत का और प्रियंका का, जहाँ भी वो सुम्बुल का इस्तेमाल करती है सुबह में नाश्ते के टाइम पे, जब दलिया बन रहा था, अंडे बन रहे थे और ओट्स बन रहे थे, तब भी उसने यही किया था निमृत ने कि प्रियंका के कमरे से जाकर 4 अंडे निकलवा लिए थे सुम्बुल से कहकर, और वो लेकर चली गई थी। और बाद में उसने यही कहा था सुम्बुल से कि हम अब किसी को बताएंगे नहीं, हम क्यों बताएंगे किसी को, कोई लाकर नहीं देता है तो हम अपना, जब हमें यूज़ करना है तो हम खुद कर लेंगे। और वो सुम्बुल को भी कुछ ऐसा ही समझाती है कि तुम भी यही कह देना कि अब हम किसी को बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। राशन को लेकर आज भी एक चीज़ होने वाली है जिसे गौरी नागौरी ने किया है, जिस पर साजिद खान बहुत नाराज़ हुए हैं। साजिद खान ने कहा है कि गौरी नागौरी भी घर के राशन में से चोरी चोरी सामान दे रही है। तो प्रियंका ने कहा इस तरह की चीज़ें, यानी दोस्ती आपको निभानी है तो आप अपने राशन में से दीजिए, हमारे राशन का हिस्सा आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें बिग बॉस के घर के अंदर राशन कमाना पड़ता है, एक्टिविटी करनी होती है, और जब नहीं होती है एक्टिविटी तो राशन ख़त्म हो जाता है, तो भूखे भी रहना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सारे सीन हो रहे हैं राशन को लेके घर के अंदर, और निमृत ले रही हैं खामखा प्रियंका से पंगा क्योंकि वो बढ़ाना चाहती है अपना कंटेंट। क्या कहेंगे इस पर आप, अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप इन में से किसी के भी फ़ैन हैं, सुम्बुल, प्रियंका, निमृत, अर्चना, किसके फ़ैन हैं कमेंट में बताएं। धन्यवाद।